हेलो दोस्तों, आप सभी का योगा फिर से स्वागत है हमारे चैनल टेक्निकल करण में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारे एलईडी बल्ब है वो एकदम बिल्कुल इसकी जो सप्लाई ख़राब हो चुकी है। मैंने चेक करके रखा है पहले से, इसकी जो सप्लाई है एकदम ख़राब हो चुकी है। तो दोस्तों मैं आपको इसे कैसे किस तरीके से इसमें ये पीएफ लगा के सारे कंपोनेंट निकालने के बाद में पीएफ लगा के इसे कैसे रिपेयर करते हैं, ठीक है दोस्तों। आपको कंपोनेंट निकालने हो तो निकाल भी सकते हो, नहीं निकालना हो तो मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। चलो मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो बगल में घंटी वाला बटन है उसे भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसकी जो रिपेयरिंग करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलो मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारा एलईडी बल्ब है अभी इसे इसमें जो सीरीज लगाते हैं मैंने पहले टेस्टिंग करके रखा है तो ये नहीं जल रहा है। और ये मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से इसमें ये फॉल्ट है दोस्तों, ये बहुत ही धीरे धीरे चल रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। और तो इसमें हमने एक ही सोल्यूशन निकाला है क्योंकि सब चीज़ को हटाने के बाद में मैंने एक सोचा था कि इसमें एक पीएफ लगा के, और मैंने आपको पिछली भी बोलता भी रहता हूँ कि ये पीएफ लगा के रेडी हो जाता, तो दोस्तों मैं आपको आज बोलता तो रहता था, पर मैं आपको बता देता हूँ ये करते इसे किस तरीके से, ठीक है। चलो सबसे पहले हम इसकी ड्रम कोल निकाल लेते हैं क्योंकि इसमें ही फिटिंग। चलो दोस्तों ड्रम कोल बाद में निकालेंगे, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये जो हमारी सर्किट है ये इधर की साइड ये हमारा फ्यूज लगता है, आप देख पा रहे हो ये हमारी फ्यूज की सर्किट है ये, तो यहाँ फ्यूज लगता है। चलो मैं आपको बता देता हूँ ये फ्यूज मैंने निकाल दिया है, अब इसमें ये पीएफ लगाएंगे तो किस तरीके से लगाएंगे, अगर देख लीजिए अगर यहाँ फिटिंग हो जाता है तो। दोस्तों वीडियो का पूरा देखना नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। चलो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से, ये जो हमारा फ्यूज वाला सिस्टम है जो इसमें नहीं आ रहा है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे यहीं सॉल्व कर देंगे। आप देख पा रहे हो ये इसका ही फ्रंट गया हुआ है इधर से, तो आप यहाँ इसे सॉल्व कर देंगे। ये दोस्तों हमारा 400 वोल्ट का है, तो दोस्तों हमने यहाँ पे पीएफ लगा दिया है, अभी मैं आपको बता देता हूँ इसे चेक करके ये किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। दोस्तों अभी इसी तरीके से कर रहा है, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये तुम्हारी आईसी है, चलो पहले इसे डिस्चार्ज कर दें क्योंकि इसमें चार्ज हो जाता है, चलो अभी नहीं हुआ है पर ये चार्ज भी हो जाता है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। ये जो हमारी आईसी है ये आपको दिख रहा होगा इधर की साइड, इसमें ये डॉट है, ये डॉट के जस्ट सामने हमारे जो तीन ये पैर हैं आपके दिख रहे होंगे आईसी के, हम तीनों को इसमें शॉर्ट कर देंगे आप उसमें। तो दोस्तों आप देख लीजिए कि मैं यहाँ पे जो दोनों को शॉर्ट कर लेंगे यहाँ पे ये सामने वाली पूरी सर्किट, ठीक है दोस्तों। यहाँ हमने ये सर्किट शॉर्ट कर ली है, अभी इसे चेक करते हैं किस तरीके से ये अपना एक काम करेगा। दोस्तों हमारा ये एलईडी बल्ब एकदम रेडी हो चुका है, 100% जो तुम्हारा ये काम करेगा दोस्तों, आप देख पा रहे हो, ठीक है। चलो मैं आज का अभी मैं आपको बता देता हूँ इसे फिटिंग किस तरीके से करेंगे, क्योंकि हमने ये लगा के आपको चेक करके दिखा दिया है, अभी इसे फिटिंग किस तरीके से करेंगे, इसे डिस्चार्ज कर लेंगे। दोस्तों मैं आपको फिटिंग बता देता हूँ इसकी फिटिंग किस तरीके से होगी, तो दोस्तों हमें इसके कुछ कंपोनेंट निकालने होंगे।
दोस्तों हमारे पास सारे कंपोनेंट भी मिल जाते हैं, हमारी कंपनी कंपोनेंट भी देती है। तो हमने इसके जो ये ड्रम कॉल निकाल ली है दोस्तों, हमें इसका पीएफ भी निकाल के देख लेते हैं, इसका पीएफ भी निकाल लेंगे क्योंकि अभी हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों मैंने इसका ये पीएफ भी निकाल लिया है, अभी इसका ये दूसरा वाला पीएफ है इसे भी निकाल लेंगे। इसमें दोस्तों आपको फ़ायदा ही फायदा है, आपको एक कंपोनेंट बढ़ाने के लिए आपके सारे बहुत सारे कंपोनेंट निकल आते हैं दोस्तों, ये तुम्हारे दूसरे में काम करेंगे दोस्तों। अभी हमारी यहाँ व्यवस्था इसकी बन जाएगी, दोस्तों हमारी इसकी आराम से व्यवस्था बन जाएगी इससे। ये तो मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से यहाँ सॉल्ड कर देंगे इसे। सबसे मेन बात रहती है फिटिंग करने की, तो दोस्तों इसे फिटिंग आपको तरीके से करना होगा। तो यहाँ थोड़ा पेस्ट लगा के इसका ये एक्स्ट्रा भाग है उसे काट लेंगे क्योंकि नहीं ये दूसरे में टकरा जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों। अभी इसे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट निकालने के बाद में चल रहा है नहीं चल रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा ये जल तो रहा है, इसमें कहीं से धुआं निकल रहा है, धुआं इसलिए निकल रहा है क्योंकि इसकी जो एक आईसी थी वो जल चुकी है, उसे हम शॉर्ट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे अपनी जो ड्रम कॉल लगी हुई थी दोस्तों पहले से डिस्चार्ज कर देते हैं, डिस्चार्ज हो चुका है तो यहाँ पे इसे हम शॉर्ट कर देंगे एक दूसरे में आपस में। दोस्तों अभी पीछे से चेक कर लेते हैं, अभी कहीं से धुआं तो नहीं निकल रहा है दोस्तों। वीडियो पूरा देखना होगा आपको, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों हमारा बल्ब एकदम रेडी हो चुका है, ठीक है दोस्तों। चलो आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से इसकी फिटिंग की जाएगी। इसका ये जो वायर है इसे हम यहाँ सेट कर देंगे, हमने इधर सेट कर दिया इसे, ठीक है। चलो मैं आपको बता देता हूँ, इसे एक बार और चेक कर लेते हैं, हमने इसे यहाँ सेट किया है, ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है।
दोस्त हमारा एकदम अच्छी तरीके से काम कर रहा है। चलो इसके एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसे हम काट देंगे। दोस्तों हमारा एलईडी बल्ब एकदम ही रेडी हो चुका है। तुम्हारा ये बिल्कुल कोई भी काम का नहीं था, वो भी रेडी हो चुका है। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ, अभी इसकी ये फिटिंग करनी है हाउसिंग में। हाउसिंग में तो आराम से बिठाई लेंगे आप। दोस्तों मैं आपसे जो बोलता हूँ वही करता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों आराम से आ भी चुका है इसी में। अभी आप इसमें B22 कैप लगा लेंगे। चलो दोस्तों इसे हम आराम से इसमें पेस्ट कर देंगे। दोस्तों हमारा बल्ब एकदम रेडी हो चुका है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अगर आपके पास भी ऐसा बल्ब हो तो आप इसे रिपेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।